हैदराबाद दक्कन के मशहूर मारूफ आलिम दीन पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में आज जिनके नाम का डंका बज रहा है, वो अजीमुशान खतीब हजरत अहमद नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए हजरत से बात करके कुछ दीनी मालूमात में इजाफा करें। आप इससे पहले कभी गिरिडीह आए थे क्या? नहीं, पहली बार आया। झारखंड? झारखंड बहुत बार आए। गिरिडीह जिला पहली बार आए जी। आपकी जो शख्सियत है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पूरे देश और बैरूनी जो ममालिक हैं उनमें भी आपकी जो शोहरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। आप सुन्नियत की जान हैं, आन बान और शान है। आज यहाँ जो गिरिडीह ज़िले के लोग आपको सुनेंगे लाइव, चूँकि आप गिरिडीह में पहली बार आए, आज क्या विशेष शेरे दक्कन अहमद नक्शबंदी साहब जो है वो सुनाएंगे, पेश करेंगे हमारे गिरिडीह ज़िले के जो लोग हैं उनको? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है, उसके हबीब अलैहि सलातु व सलाम की लुत्फ इनायत है कि आज आपके ज़िले गिरिडीह में हज़रत मौलाना नज़रुल हसन साहब की दावत पर हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करोड़ हा एहसानात में से ये भी एक एहसान है कि अल्लाह ने हम पर यह एहसान फरमाया कि हमें मुसलमानों में पैदा किया, इस्लाम के परचम तले ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एहसान को मुसलमान समझें कि अल्लाह ने उस पर कितना बड़ा करोड़ हा फजल किया कि उसको मुसलमान बनाया और उसको अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया और अपने बंदों में, ख़ास बंदों में, सजदा करने वाले बंदों में, अपनी इबादत करने वाले बंदों में रखा। तो मुसलमान को हर वक्त इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि ये जो नेमत अल्लाह ने उसको अता की है उसके अमल से, उसके किरदार से, उसके अखलाक से इस नेमत का हमेशा शुक्र अदा होते रहना चाहिए। क्योंकि मुसलमान जब अल्लाह तबारक व तआला के इस इनाम को भूल जाता है तो फिर अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन जब मुसलमान इस एहसास को बाकी रखता है कि वो खुदा का बंदा है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती है और फिर उसके बाद वो ज़िंदगी गुजारता है इबादत और रियाजत के साथ, तख्वा और तहारत के साथ और परहेजगारी के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उसको कामयाबी अता फरमाता है, उरूज अता फरमाता है और उसको अल्लाह ताला ज़िंदगी की खुशहालियाँ न सिर्फ दुनिया की बल्कि आखिरत की भी खुशहाली अल्लाह उसको अता फरमाता है। हजरत क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, खास करके हमारे इंडिया की अगर बात की जाए, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं इल्म और एजुकेशन की बुनियाद पर फिसड्डी है, पीछे, क्या इसको आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। हमने तो अपनी तकरीरों के जरिए से अवामुन्नास में एजुकेशन का शऊर बेदार करने की बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, बल्कि हम तो ये महसूस करते हैं कि आज जो मुसलमान हालात से गुजर रहा है, जो जिल्लत और रुसवाई के दरवाजे मुसलमान पर खुल गए हैं, उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि मुसलमान इल्म की दौलत से महरूम हो चुका है, मुसलमान इल्म की अहमियत को जो है फरामोश कर चुका है। मुसलमान के बच्चे आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उसकी जीनत बनने के बजाय आज मुसलमान के बच्चे होटलों और जो है दुकानों की जीनत बने हुए हैं, कारखानों और रोडों की जीनत बने हुए हैं, बाजारों और मार्केटों की जीनत बने हुए हैं। तो लिहाजा मुसलमान को मालूम होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पास अहकामात नाजिल किए, हमारे पास कई आमाल फराइज हैं, वाजिबात हैं, ज़रूरी हैं, सुन्नत के दर्जे में हैं, हमारे पास 500 आयतें कुरान के अंदर अहकामात शरिया से मुताल्लिक नाजिल हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने जब कुरान उतारना चाहा तो सबसे पहले रब ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, सबसे पहले रोजे का हुक्म नहीं दिया, सबसे पहले ज़कात और हज का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने जब कुरान की आयात उतारी तो उसका ताल्लुक इल्म से रखा, इल्म से मुताल्लिक आयात उतार कर रब ने बतलाया ये सारे फराइज़ और वाजिबात बाद में हैं,
इल्म का सीखना मुसलमान के लिए सबसे पहले है। हजरत यू बेसिकली बिलोंग टू हैदराबाद जी, द पीपल ऑफ गिरिडीह एंड झारखंड जी डू नॉट नो तेलुगु जी, विल यू स्पीच टुडे, विल यू डिलीवर योर स्पीच टुडे इन तेलुगु, समथिंग समथिंग विच आर द वर्ड्स यू नो यू जनरली यूज them during the speeches delivered by you on different stages of different parts of the country. देखिए होता क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरती निजाम है कि परवरदिगार एक ही इलाके में, जैसे हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, हम एक ही मुल्क में पैदा हुए, लेकिन मुख्तलिफ जुबानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए बनाया ताकि उसकी कुदरत का जलवा जाहिर हो, उसकी कुदरत की जो है इजहार हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही इलाके में कई जुबानों के जानने वालों को, कई जुबानों के जो है बोलने वालों को रखता है। तो इसी तरीके से हर जगह की अपनी जुबान की अपनी अहमियत होती है, उसके कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो उर्फ़ आम में पूरे मुल्क में मशहूर हो जाते हैं, बाद ऐसे मराठी अल्फाज भी हैं, बाद ऐसे तेलुगु अल्फाज भी है, बाद ऐसे जो है झारखंड भी अल्फाज भी हैं जो मशहूर हो जाते हैं। कौन कौन से तेलुगु के अल्फाज आज अहमद नक्शबंदी पेश करेंगे? देखिए मुझे तो बहुत ज्यादा तेलुगु नहीं आती क्योंकि हम लोग जो है बचपन से जो है मदरसों में रहे हैं और जो है दीनी माहौल में रहे हैं, हमारा जो है हिंदू भाइयों से मुलाकात बहुत कम हुई इसलिए हमने बहुत कम तेलुगु सीखी है। लेकिन बस एक छोटा सा जो है एक लफ्ज तेलुगु में बहुत ज्यादा मशहूर होता है, हम पूछते हैं कि एन्नम तिन्नावा, मतलब खाना खाया क्या? एन्नम तिन्नावा जी, डिड यू ईट फूड जी, क्या आपने खाना खाया, इस तरीके से उसका एक सवाल बनता है तो अक्सर जो है पूछ लेते हैं, और पो पो बोल के बोलते हैं जा इस तरीके से पो पो जा जी, जा जी। वाह क्या बात है, कुछ तेलुगु भी हमारे गिरिडीह और झारखंड के लोग हजरत के जरिए जो है वो सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। हजरत एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के जलसे में हजरत अहमद नक्शबंदी जी के तकरीर का जो मौजू है, उनवान है जी, टाइटल है, वो क्या होगा? देखिए मैं तो आपसे ख्वाहिश करूंगा कि आज आप मेरी तकरीर को पूरी मुकम्मल तौर पर लाइव दीजिए, क्योंकि फिल वक्त मुसलमानों में जो सियासी शऊर बेदार होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान के हमारे जलसों के अंदर वो हमारी जो मेहनतें होती है पूरी नमाज पे, रोजे पे, जक़ात पे, हज पे, सदक़ात पे, इसी पे मेहनत होती है। मुसलमान आपस में क्या कर लेना है, दीनी मामला क्या है, हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम अपनी कौम को ये नहीं सिखाते कि सियासी तौर पर मुसलमान कितना शऊर वाला होना चाहिए, हम अपनी कौम को नहीं सिखाते हैं कि मिल्ली तौर पे मुसलमान के क्या क्या अपने हुकूक हैं, मुसलमान किस तरीके से अपनी कौम को डेवलप कर सकता है, अपने मुआशरे को डेवलप कर सकता है, और फिर मुसलमान को खुद ये नहीं मालूम है कि उनके वोट की ताकत क्या है, उनका वोट उनको कौन से मुकाम तक ले जा सकता है। आसान पड़े क्योंकि हम मुसलमान जो है आपस में बढ़ गए हैं, आज हमारी कोई औकात जिसको याद है मेरे मेरे साथ मिलकर पढ़े, वो सुने ला 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 ला
70,000 सुबहों में उस गली का उस गली का जिसमें मांग देता जीदार मांग देता जीदार के साथ हजरत तशरीफ ला चुके हैं बेलवाना तीसरी गिरिडीह में। हालांकि आज हजरत पहली बार गिरिडीह आए हैं, लेकिन जो इनका लबोलहजा है, जो इनका मिजाज है, वो बता रहा है कि आज का जो इनका आना है वो बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है। हमारे खासकर जो नौजवान लोग बच्चे हैं, नौजवान जो लोग हैं उनके लिए कई और अच्छी बात आपको सुनने को मिलेंगे आज के इनकी तकरीर में। तो आइए बेलवाना में आज एक अजीमुशान जलसा हो रहा है, हजरत की तकरीर होगी, सुनिए और फायदा उठाइए।